बीएससी की छात्रा का अपहरण कर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। तो आपको बता दें, शनिवार को हाईवे के किनारे मिला था अधजला शव, रविवार को हुई थी पहचान, देर रात वहीं पोस्टमार्टम भी कराया गया था। सुबह छात्रा का शव पहुंचाया गया है छबरा गांव। गुस्साए लोगों ने शव को रखकर हाईवे पर जाम लगा दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जो गांव के लोग हैं। तो आपको बता दें कि रायबरेली की एक खबर है जहां पर बीएससी की एक छात्रा का अपहरण कर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है, जहां लगातार प्रशासन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि किस प्रकार से इस छात्रा का अपहरण किया गया और उसे जिंदा जलाने का यह मामला सामने आ रहा है। तो आपको बता दें, शनिवार को हाईवे के किनारे पर ये छात्रा का जो अधजला शव है वो मिला था, और वहीं रविवार को पहचान हुई थी कि छात्रा कौन है, ये कहाँ से है, और देर रात पोस्टमार्टम कराने के बाद सुबह छात्रा का शव छबरावा पहुंचाया गया था, जो छात्रा का गांव है वहां पहुंचाया गया था। वहीं पे जो ग्रामीण है, जो गुस्साए लोग थे, उन्होंने शव को हाईवे पर रखकर ही जाम लगाने शुरू कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आपको बता दें कि प्रशासन के हाथ से अभी आरोपी बाहर चल रहे हैं, उनके पास कोई अपडेट नहीं कि आखिर किसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है रायबरेली से, जहां पर बीएससी की छात्रा का अपहरण करके जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, शनिवार का ये पूरा मामला है, शनिवार को हाईवे के किनारे ये अधजला शव मिला था और पुलिस अभी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर छात्रा के साथ क्या हुआ था और आखिर क्यों छात्रा की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई और जिंदा उस छात्रा को जला दिया गया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव वाले इतने गुस्साए हुए हैं कि उन लोगों ने शव को हाईवे पर रखकर ही जाम लगा दिया है और लगातार पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। वहीं पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं, वो कुछ भी करने में अभी सक्षम नहीं दिख रही है और पुलिस का कहना केवल यही है कि वो आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई है। और दूसरी तरफ गुस्साए गांव वाले सड़क से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आपको बता दें, रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां पर बीएससी की छात्रा का अपहरण किया गया था और अपहरण करने के बाद छात्रा को जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलाने के बाद शनिवार को हाईवे के किनारे पर जो छात्रा थी उसका शव बरामद हुआ था। शव मिलने के बाद रविवार को पहचान हुई थी कि वो छात्रा कौन है और वो कहाँ की है, और उसके बाद देर रात ही पोस्टमार्टम करवाया गया था। पोस्टमार्टम के बाद जो प्रशासन है उसने जो बॉडी है उसको गांव वालों को और घर वालों को सौंपना चाहा, लेकिन घर वालों ने भी गुस्से में बॉडी को लेकर जाम लगा दिया और उसको रखकर शव को रखकर वो हाईवे पर बैठ गए और जाम लगा दिया और लगातार आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि रायबरेली से ये बड़ी खबर है, जहां पर लगातार इस तरीके से देखने को मिला, हमें लगातार ऐसे प्रदेश में देखने को कई घटनाएं मिल जाती हैं जहां देख के लगता है कि जो हमारे देश की बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं हैं, जहां लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। अभी मामला, ये हालिया मामला रायबरेली का है, जहां पर बीएससी की पढ़ाई कर रही थी ये छात्रा और इसके अपहरण की घटना सामने आई थी। अपहरण के बाद शव मिला इस छात्रा का, वो भी अधजली अवस्था में। शनिवार को हाईवे किनारे शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने रविवार को देर रात पोस्टमार्टम करवाया और आनन फानन में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद घर वालों को शव सौंपा, लेकिन घर वालों ने शव लेकर हाईवे पर ही जाम लगा दिया और गुस्से में एकदम आग बबूला है गाँव के लोग। उनका केवल यही मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।